दरभंगा में बीजेपी और जेडीयू की साझा रैली हुई। मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर बैठे थे। भाषण के अंत में पीएम मोदी ने जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। भीड़ और मंच पे बैठे नेता पूरी जोश में वंदे मातरम बोलने लगे और रामविलास पासवान भी बोलने लगे वंदे मातरम, लेकिन नीतीश कुमार वंदे मातरम कहने में शामिल नहीं हुए और बैठे रहे। आखिर में सबके खड़ा होने के बाद मन मारकर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे खड़ा हुए। इससे पूरी तरह से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते हैं नीतीश कुमार पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश कुमार का पावर और उनकी छवि, उनकी पकड़ बिहार में बहुत मजबूत है, जो कि बीजेपी को भारी पड़ेगी। अब बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते नीतीश कुमार पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ अगर बीजेपी बोली या कोई नेता उनके खिलाफ बोला तो बिहार से बीजेपी बाहर हो जाएगी। तो इससे मतलब साफ है कि हमेशा आपकी ताकत कमजोरों पे दिखती है। अब इन नेताओं गणों का कथन सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो तीन हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगा। जो लोग वंदे मातरम से जिन्हें घृणा है उन्हें बेहतर होगा कि देश छोड़ के चले जाए, और अगर देश में रह करके वो वंदे मातरम का अपमान, जिसे हम राष्ट्र का अपमान मानते हैं, करेंगे तो निश्चित तौर से देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश उसका मुंह तोड़ जवाब ऐसे लोगों को देगा। ऐसी तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। मोदी जी को इन नेताओं को नीतीश कुमार के पास भेजना चाहिए कि जाके नीतीश कुमार को वो लोग राय मशवरा करे और बताए कि भैया नीतीश अब पाकिस्तान जाइए।